गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के छात्रों ने आज कठुआ कालीबड़ी मार्ग अवरुद्ध कर जोरदार प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल करतार चंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि वॉयज हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वॉयज हॉस्टल में ना तो पीने का साफ पानी मिलता है और ना ही हॉस्टल में बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से की जाती है। छात्रों का कहना था कि ये समस्या काफ़ी समय से है, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनकी इन समस्याओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उसी के चलते आज उन्होंने रास्ता अवरुद्ध किया है। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को धमकी दी है कि अगर हॉस्टल में उनके लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन पर होगी। नाइस भाई है, कल भी मैं गुजर रहा था तो रास्ते में एक शाम तक गया, तो क्या कर सकते हैं आप, इतना बड़े इतनी बड़ी बड़ी घास है, तो घास में हम क्या करेंगे कि कैसे शाम से बच सकते। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमें कूलर भी नहीं है, क्या हम इतनी गर्मी में वही जो सप्लाई का पानी वो पी सकते हैं? नहीं पी सकते भैया, क्या आप ही बोलो कि आप पी सकते हो पानी? नहीं पी सकते। कम से कम हमें कूलर फिल्टर पानी होना चाहिए, कूलर लगा है मगर वो साफ को साफ नहीं है, ना ही वो कूलर चल नहीं रहा, पिछले साल से कूलर नहीं चल रहा। आने का जो हमारा जो मुद्दा है, जो हम रोज स्टूडेंट्स यहाँ पर सड़क पर उतरा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी शर्म की बात है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है स्टूडेंट्स की, वाटर एंड सफाई, क्लीनिंगनेस, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉस्टल में इतनी बुरी हालत है, ना ही वहाँ पर पानी है, स्टूडेंट को बाल्टियाँ लेकर उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हॉस्टल में इतनी इतनी बड़ी बड़ी घास है, वहाँ पर आने वाले टाइम पे कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं, और एक तो हमारा हॉस्टल का स्टूडेंट भी इसमें बीमार पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।